वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज है डे सेकंड मेरे हेयर केयर रूटीन चैलेंज का। तो आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल। ये प्लांट से निकला हुआ एलोवेरा जेल है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये पतंजलि का है, आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप अपने बालों में लगा सकते हैं। एलोवेरा में होता है 96% वाटर। इसके साथ ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिससे कि ये बाल, स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो अब बात करते हैं इसको बालों में लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको बालों में लगाते हैं तो बालों को ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। अगर आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके नए नए बाल आने लगेंगे और बालों को सिल्की स्मूथ करता है, बालों में चमक आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ये कवर करता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको लगाती हूँ मैं अपने बालों में और देखती हूँ कैसे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट एलोवेरा जेल ही लगा लीजिए, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन ई बालों की और स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब इस मास्क को अप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर से नीचे तक अच्छे से इसको लगा लेंगे, स्कैल्प पर भी इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे। अच्छे से बालों और स्कैल्प पे लगाने के बाद आप इसको 30-40 मिनट्स लगे रहने दीजिए। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल भी मिक्स करके लगा सकते हैं, या आप अपने पसंद के किसी भी मास्क में एलोवेरा जेल को मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से लग जाए तो आप इसको शार कैप से कवर कर सकते हैं। स्कैल्प पे तो लग गया है, ऊपर जो बाल बच गए हैं उन पर डायरेक्ट ये पत्तियाँ लेके बालों पर लगा लेती हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। बहुत अच्छे से बालों को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है, फ्रिजी बिल्कुल भी नहीं है। बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ और टच करने में भी इतना अच्छा लग रहा है। तो आप इस मास्क को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब पार्लर जाके अपना पैसा और टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए। इनको ज़रूर ट्राई कीजिए।